राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा, प्रजा ने दबाव बनाया राम जी पर। किसने दबाव बनाया? भाई राम जी को सीता माता पर संदेह होता तो रावण के यहां से जिस दिन आई थी उसी दिन भेज दिया होता, उसी दिन भेज देते ना, पर उस दिन तो नहीं भेजा। इसका मतलब यह हुआ कि राम को संदेह नहीं था। संदेह किसे था? प्रजा को। प्रजा को लगा कि पता नहीं सीता शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो प्रजा ने आरोप लगाए कि सीता मां को रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। सारी प्रजा से आवाज उठने लग गई, सीता मां के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठाई। अब जब सीता मां को पता लगा कि समाज लांछन लगा रहा है, अच्छा एक बात बताओ, क्या सीता मां तुरंत अपनी पवित्रता की गवाही नहीं दे सकती थी, प्रमाण नहीं दे सकती थी? तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती और पवित्र होकर के वो बता देती, देखो मैं पवित्र हूं। पर सीता मां ने तुरंत कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीता मां को लगा कि जिस समाज को हम पर भरोसा नहीं है, अब उस समाज के बीच में हमें रहना नहीं है, वहीं रहो जहां आप पर भरोसा है। जहां आप पर भरोसा ना हो वहां रहने से फायदा नहीं है। बात समझ में आई? माता सीता बोली कि मैं परीक्षा तो दूंगी लेकिन अब मैं जाऊंगी अपना काम पूरा करके। लेकिन वो जा भी नहीं सकती माता सीता, क्योंकि पेट में बच्चा है। यदि चली जाती तो बच्चा भी चला जाता, फिर लवकुश का जन्म ना होता। तब माता सीता, एक बार की बात है, जब माता सीता गर्भवती हुई तो राम को जब पता लगा कि सीता गर्भवती हैं, तो राम जी ने पूछा सीता माता से कि बताओ मैं आपको क्या दूं तोहफा। तो सीता मां ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस राजमहल में जन्म ना लें, मेरे बच्चे संतों के पास जन्म लें ताकि संतों के संस्कार मेरे बच्चों में आए। ये बात माता सीता ने कही, वाल्मीकि रामायण में ये सब लिखा है। तो माता सीता का मन था कि मैं बच्चों को संतों की कुटिया पे जन्म दूं ताकि संस्कार संतों वाले आए। तो राम जी ने कह दिया था ठीक है। तो सीता मां संतों की कुटिया पर गई अपनी मर्जी से, तभी समाज ने उंगलियां भी उठाई। तो समाज के उंगली उठाने से और मन भी था जाने का, तो दोनों काम एक साथ हो गया, तो वनवास चली गई। अच्छा, इसमें राम जी का कोई रोल नहीं है कहीं। राम की क्या गलती है बताओ? यदि सीता मां गलत होती तो राम उसी दिन बोल देते जिस दिन रावण के घर से आई। मतलब राम को तो संदेह नहीं था, प्रजा को था, तो वनवास चली गई। अच्छा एक बात बताओ कि सबसे पहले सीता मां पर आरोप किस व्यक्ति ने लगाया था? जोर से, जोर से। एक धोबी, एक व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी पत्नी से बोला कि तू रात भर कहां थी? पत्नी बोली कि पानी गिरने लगा था, मैं केवट भैया के घर में रुक गई, रात को नाव चल नहीं सकती थी तो वही रह गई। सवेरे आई तो केवट धोबी बोला कि मैं कोई राम थोड़ी हूं, तू रात भर रह के आई है, पता नहीं तू पवित्र है कि अपवित्र है, जा मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़े हूं कि उन्होंने रावण के घर रहने वाली सीता को रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा। धोबी की यह बात समाज में हवा की तरह फैल गई।
अच्छा एक बात बताओ, जब धोबी ने ये बात कही तो राम धोबी को बुलाकर दंड भी तो दे सकते थे ना। क्यों तू मेरी पत्नी के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है? राम राजा थे तो क्या धोबी को बुला के दंडित नहीं कर सकते थे? फांसी पे लटका देते। चलो विचार करो कि राम जी जिन लोगों ने आरोप लगाया सीता माता पर, यदि उन लोगों को राम जी फांसी पर लटका देते तो क्या होता? उन लोगों को फांसी पर लटकाना सही था या गलत था? उत्तर दो जोर से। हाँ जोर से। गलत था। यदि राम जी धोबी को मार देते, सीता माँ पर आरोप लगाने वाले लोगों को मारते, तो सीता माँ पर लगा आरोप सत्य हो जाता, सिद्ध हो जाता। लोग कहते अच्छा गड़बड़ है, इसलिए तो ये मुंह बंद करने में लग गए। इसलिए राम मुंह बंद नहीं कर सकते थे सबका, करते तो आरोप सिद्ध हो जाता, फिर तो ये कन्फर्म हो जाता कि हाँ गलत है। हाँ या ना? सीता माँ पे आरोप, अभी तो क्या था? आरोप था। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब आरोप सिद्ध हो जा। इसलिए राम धोबी को बोल नहीं सकते, प्रजा को समझाते राम कि मेरी पत्नी पवित्र है, तो राम की बात कौन मानता? बोले तुम्हारी तो पत्नी है, तुम तो कहोगे कि पवित्र है, लोग ऐसा कहते। फिर तो सही निर्णय यही था कि संत की कुटिया में जाना ही था माता सीता को, तो संतों के पास भेज दिया। सोचो इतिहास साक्षी है, उस जमाने में प्रजा ने निकाला था एक स्त्री को, सीता नाम की उस मां को प्रजा ने निकाला, तो त्रेता युग में भी वह नारी संतों के आश्रम में जाकर सुरक्षित रही। आज भी गौरी गोपाल आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एक माता थी, गौरी गोपाल आश्रम में 285 वृद्ध माताएं हैं। सदा से ही संतों ने गृहस्थों की सेवा की है। केवल गृहस्थों ने संतों को भिक्षा दी है, केवल गृहस्थों ने संतों की सेवा की है, ऐसा नहीं, संतों ने भी समय समय पर गृहस्थों की सेवा की है। बताओ सीता माता की सेवा महर्षि वाल्मीकि जी ने करी कि नहीं करी? उत्तर दो, उत्तर दो कि ना। माता सीता को भी घर से निकाला गया तो संतों ने आश्रय दिया। आज भी वृद्ध माओं को जब खुद के बेटे घर से निकालते हैं तो इन माओं को भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आश्रय मिलता है। तब की सीता भी आश्रम में थी और आज की सीता भी आश्रम में है। तब प्रजा के द्वारा निकाली गई, आज पुत्र के द्वारा निकाली जाती है। बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है मेरी मां, सिर्फ युग बदला है, व्यवस्थाएं तो जस की तस हैं। तो बताओ माता सीता वनवास गई, उस वनवास में क्या राम जी जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? प्रजा। इसलिए राम को तो लोग मिथ्या ही आरोप लगाते हैं। अब राम देखिए, भगवान राम, ये घटना उन दिनों की है जब राम ने रावण को मारा। रावण जब मरा तो दशरथ जी राम से मिलने आए। दशरथ जी ने कहा, राम मैं तुम्हारे त्याग तपस्या से प्रसन्न हूं, पुत्र कुछ मांग लो। कुछ नहीं पिताजी, आशीर्वाद दो। दशरथ जी ने कहा कि मेरी 2000 साल आयु बाकी है,
कितनी आयु बाकी है? क्योंकि दशरथ जी अपनी मृत्यु से थोड़ी मरे थे, राम के वियोग में मरे थे। तो मेरी 2000 साल आयु बाकी है, चाहो राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। दशरथ जी ने अपनी सारी उम्र राम को दे दी बची हुई, तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र दी थी राम को। तो राम जी के 11000 साल पूरे हो गए राजा बनने के। अब दशरथ जी ने जो आयु दी, अब वो उम्र चालू हो गई। अब जब राम को पिता की आयु चालू हो गई, तो राम को लगा पिता की आयु से मैं पत्नी का स्पर्श करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए राम ने माता सीता को कहा कि आप संतों के पास रह लो, क्योंकि अब ये पिता की आयु स्टार्ट हो चुकी है और पिता की उम्र से भला सीता का स्पर्श कैसे हो, क्योंकि अब तो राम पिता की आयु पाके स्वयं दशरथमय हो गए, तो पत्नी का स्पर्श कैसे, मर्यादा बिगड़ती, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भी वनवास हुआ। एक तीसरा कारण और है, सीता माँ को वनवास क्यों हुआ? जब सीता माता छोटी सी थी, तब इनके साथ एक घटना घट गई। वो पद्म पुराण में लिखी घटना आपको सुनाऊं, सीता माँ का वनवास क्यों हुआ, ध्यान से सुनो। एक बार सीता माँ जनकपुर में अपने बगीचे में बैठी थी, एक तोती आई, तोती पेड़ पर बैठी और राम जी का गुणगान गाने लग गई। राम जी का ब्याह सीता से होगा, राम जी ऐसे हैं वैसे हैं। सीता माँ को लगा ये तो हमारी कथा कह रही है। सीता माँ ने चुपके से तोती को पकड़ लिया, वो अपने तोते को कथा सुना रही थी। और जब तोती को पकड़ लिया तो तोती को पिंजरे में बंद कर दिया। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने पति के साथ रहने दो। सीता बोली, सोने के पिंजरे में रखूंगी, जो खाओगी खिलाऊंगी, चलो। बहुत कहा तोती ने, छोड़ दो छोड़ दो। सीता माँ ने नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद वह तोती मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने सीता माता को श्राप दिया, सीता तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया तब जब वह गर्भवती थी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। श्राप मतलब बद्दुआएं, श्राप मतलब बद्दुआएं। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर किया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता मरकर अगले जन्म में धोवी बनता है और उस धोवी के कहने से सीता माँ को वनवास जाना पड़ता है। ये कथा पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता माँ के वनवास में जिम्मेदार कोई नहीं है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। सीता माँ को श्राप लगा था, आप लोग भी तोता तोती पालते हो ना अपने आनंद के लिए, किसी की आजादी मत छीनो। तोता को भी पिंजरे में क्यों बंद करना, पालना है तो आप अपने घर के आसपास एक बड़ा पेड़ लगा दो, वृक्ष। जब वृक्ष होगा तो निश्चित ही उस पर आकर पक्षी बैठेंगे, आप देखते रहना, वो घोंसला बनाएंगे उस पर देखते रहना। पिंजरे में क्यों बंद करना है भाई? सीता माँ ने बंद किया तो सीता माँ को भी उस तोती का श्राप लगा। तो आप जिस पक्षी को बंद करते होंगे, कुछ लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं, क्या ये सही है? क्या किसी पक्षी को पिंजरे में रखना सही है? नहीं, आजाद पक्षी को आजाद घूमने दो। पक्षियों की आजादी हम क्यों छीने? उड़ता हुआ पक्षी अच्छा लगता है, पिंजरे का पक्षी अच्छा नहीं लगता। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी अच्छा है, उसकी आजादी, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसके भी अपने सपने हैं, आप क्यों कैद करें किसी को? सीता माँ ने कैद किया, श्राप भोगना पड़ा। जब सीता माँ को कर्मों का दंड मिला तो हम बचेंगे,
आप बचेंगे। भगवान फिर क्या हुआ, सीता माँ के दो पुत्र हुए लव और कुश। जब लव कुश हुए तो गुरु जी ने पढ़ाया लिखाया, और जब पढ़ लिख गए तब लव कुश ने राम जी को कथा सुनाई और कहा कि हम आपके पुत्र हैं। राम ने कहा कि आप हमारे पुत्र हैं, आपकी माँ आकर के कहें तब मान्य होगा। सीता माँ आई और सीता माँ ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि ये दोनों पुत्र राम के हैं और मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी पर पुरुष का कभी चिंतन ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। कहना था कि पृथ्वी माँ के कहते ही पृथ्वी माँ प्रकट हो गई, पृथ्वी फट गई, प्रकट हो गई, और पृथ्वी माता सिंहासन लेकर प्रकट भई। माता सीता बैठी, पुत्रों को राम के हवाले करके प्रजा तो थर थर कांपने लगी, जिन्होंने आरोप लगाया, हे माता क्षमा कर दो, हमने आप पर मिथ्या आरोप लगाया। भगवान ने माता सीता ने कही, कहा, नहीं पुत्र, तुमने मिथ्या दोष नहीं, तुम सुखी रहो, तुमने जो आरोप लगाया, अब मैं जा रही हूँ। सीता माँ कैसे रहती, आप सब हमें गलत कहें तो फिर हम आप लोगों के बीच में कैसे रहेंगे। सीता माँ अब उन लोगों के बीच में कैसे रह सकती थी जिस प्रजा को सीता माँ पे भरोसा ही नहीं। अरे रहा वहां जाता है जहां आपको हम पर भरोसा हो। रिश्ते तो भरोसे से चलते हैं ना साहब, क्यों? पति और पत्नी का रिश्ता कैसे चलता है बोलो? भरोसे पे। अब पत्नी को भरोसा ही नहीं है, पति को भरोसा ही नहीं है, बेटे को भरोसा ही नहीं है, तो जहां विश्वास ना हो वहां कैसे रहा जाए? रहा तो वहां जाए जहां विश्वास हो। इसलिए सीता माँ अब पृथ्वी माता पर समा गई, सारे लोग देखते रहे, और सीता माँ अग्नि की तरह गंगा की तरह पवित्र हैं, सिद्ध कर दिया माता सीता ने। इसलिए कभी किसी पर आरोप लगाना, आप लोग तो बस मुंह उठाए और कुछ भी बोल जाते हैं, आप समझते नहीं कि आप बोल के तो भूल जाएंगे पर आपने जिसको बोला है क्या वो भूल पाएगा? इसलिए कभी कुछ भी ना बोला करो, कभी किसी पर भी कोई लांछन कोई आरोप ना लगाया करो, पहले प्रमाण देख लो, पहले आपके पास उसका प्रमाण हो, कुछ भी ना कह दो किसी के बारे में, बहुत बड़ा पाप है ये। अब बताओ सीता माता पर जिनने आरोप लगाया उन्होंने सही किया बोलो? इसलिए आप भी आपस में बैठ के दिन भर निंदा चुगली करते हैं, ना किया करो मिथ्या, किसी को आरोप ना लगाओ, कुछ भी ना कहो। वाणी है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकोगे, कुछ भी बोलोगे तो भगवान मेंढक बनाएंगे, दिन भर टर्र टर्र करते रहना। वाणी दी है तो जरा विचार करो क्या बोलें और क्या ना बोलें, किसे बोलें किसे ना। कोई गलत है तो भैया तू गलत है तो रहा आए, हम सबका ठेका लेंगे क्या? हम क्यों किसी को कहें, हमारा क्या लेना देना? भाई रास्ते में हम जाते हैं, कितने कुत्ता भौंकते हैं हमें देखकर, तो क्या हम रुक रुक के सारे कुत्तों को समझाएंगे क्या? भाई समाज में तो कितने लोग गलत कर रहे हैं, आपका धर्म है समाज का मार्गदर्शन करें। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे सामने आकर कह दो कि महाराज जी ये गलत है, आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो। कोई बालक गलत कर रहा है उसे समझा दो कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, आप समझाते नहीं है, आप पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं। अरे आप ज्यादा ही शुभचिंतक हैं जिसके, तो सीधे सामने जाकर कहो ना कि भाई साहब आपने ये काम गलत किया, ये ठीक कर लो, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आप सलाह दो, आप सही राह बताओ, लेकिन आप पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ कहें, अब बताओ किसी के पीठ पीछे कुछ कहना सही है कि गलत है? सामने कहना सही है,
पीठ पीछे कुछ ना कहो, जो कहना है सामने कहो। निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा पाप है, मत करना किसी की, और आप निंदा सुनने के आदि भी बन जाओ, क्योंकि समाज मेरी बात थोड़ी मानेगी। आप जितने लोग यहां बैठे सुन रहे हैं, क्या आप मेरी ये बात मान लोगे, निंदा करना छोड़ दोगे? कितने लोग छोड़ देंगे, अच्छा बताओ? सच्ची खाओ मां कसम, छोड़ दोगे? मैया ओ मैया, निंदा करना छोड़ दोगे? मां कसम खाओ, सही नहीं खाओगी ना, तुम्हारा भोजन ही नहीं पचेगा। हमारा काम है आपको समझाना। हम तो देखो सीधी बात करते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही सामने कहते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। समय नहीं है कुछ कहने का, जो कहेंगे सामने कहेंगे। आपके समाज में जो हो रहा है अच्छा या बुरा, हम बिल्कुल सामने, हम बॉलीवुड को सामने कह देते हैं, तुम भाई गलत कर रहे हो, और जो सही करता है उसे हम सही कहते हैं। बताओ बॉलीवुड जो कर रहा है, गुटखा बेचना, शराब बेचना, सिगरेट बेचना, हर गंदी और गलत चीज का प्रचार कर रहा है, ये सही है गलत है? तो मैं गलत को गलत सामने कहता हूं, पीठ पीछे नहीं। आप सबको सचेत करने का कह रहा हूं, निंदा चुगली किसी की ना करो, सीधी बातें करना सीखो।